बोला था ना मैंने, ये देखो पूरा मुंबई का फील। हे गाइस, मी साहिल इंगड़े एंड यू गाइस वाचिंग आर माय यूट्यूब चैनल साहिल इंगड़े व्लॉग्स। तो गाइस, आज का दिन मतलब आज 6 दिसंबर है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी इनका महापरिनिर्वाण दिन, जिनकी वजह से मैं हूँ, सब लोग हैं, मेरी फैमिली है उस व्यक्ति के कारण, क्योंकि मतलब मैं माँ बाप से भी ज्यादा मानता हूँ उनको। और आज हमारे यहाँ से रैली निकलती है, हमारे एरिया से छोटों से लेकर बड़ों तक हम कैंडल लेके जाते हैं इरविन स्क्वायर में, मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्क्वायर में। ओके, तो 6 बजे रैली निकलेंगी। तो मेरे पास व्हाइट हुडी भी है, टी शर्ट भी है, लेकिन मुझे शर्ट चाहिए, हुडी या टी शर्ट नहीं पहननी है मुझे, आज शर्ट पहनना है प्लेन। तो जाएंगे अभी मार्केट, शर्ट लेंगे मेरे लिए व्हाइट वाला। तो आज ब्लॉग पे बने रहिए, मैं दिखाऊंगा हमारे यहाँ की कैसे रैली निकलती है, हम हमारे तरीके से कैसे मान वंदना देते हैं। ओके, तो आप बने रहिए, मैं सब दिखा दूंगा आपको। काम चालू है सब। Hey guys, तो अभी फैज भाई की शॉप पर आए हैं हम, 47 गोल्डी। देखो कैसे भाग रहा भाई, सीढ़ियां देखकर तो पूरी मुंबई का फील आता है, पूरा बॉम्बे का फील। भैया फैज भाई नहीं क्या? ओके गाइस, तो फैज भाई की शॉप पर तो नहीं मिला मुझे शर्ट, जाके देखते अभी किसी दूसरे शॉप में, क्योंकि मुझे चाहिए आज, आज पहनना है। बोला था ना मैंने, ये देखो पूरा मुंबई का फील, एक पैर भी इधर उधर गया, आदमी गया। इस शर्ट लेने आया हूँ मैं, और इसने देखो पैंट ले लिया, मतलब इसने इसका वाला ले लिया, मेरा रह गया शर्ट लेने का। भाई शर्ट चाहिए मुझे अभी, देखना कमाई कर रहा है, क्योंकि आज पहनना है। मेरे पास शर्ट मतलब टी शर्ट है वाइट कलर की, और श्वेट शर्ट भी है, पर मुझे शर्ट चाहिए यार, मुझे शर्ट पहनना है, क्योंकि श्वेट शर्ट अच्छा नहीं लगता। और आज का दिन तो आपको पता है कौन सा दिन है, क्या है, इसीलिए मुझे नॉर्मल शर्ट चाहिए वाइट वाला। तो देखते अभी आगे मिलता है क्या, तो देखता हूँ मैं, थोड़ा घूमता हूँ। ओके गाइस, मतलब काफ़ी देर ढूंढने के बाद या इस दुकान उस दुकान जाने के बाद फाइनली मुझे मिला है शर्ट, वाइट शर्ट जो जैसे मुझे चाहिए था। और बहुत सारी वेराइटी है यहाँ पर भैया की शॉप में, देखो शर्ट का कलेक्शन, आप लोग मस्त कलेक्शन है, शर्ट ले लिया है मैंने। One hour later. शर्ट तो मुझे मिल चुका है व्हाइट वाला, मतलब जो मुझे चाहिए था वही मिला है। अभी नहा लूंगा और पहले क्लास में जाऊंगा, डांस क्लास में, क्योंकि थोड़ा सा काम है मुझे डांस क्लास में। 6 बजे से रैली स्टार्ट हो जाएगी हमारी मान वंदना की, क्लास से निकलूंगा और रैली ज्वाइन कर लूंगा और आपको सब कुछ दिखाऊंगा, मतलब कैसे होता है। हमारा जो स्क्वायर है सबसे बड़ा स्क्वायर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्क्वायर, तो उस स्क्वायर में जाते हैं हम लोग और सब कैंडल लेके जाते हैं, मतलब छोटे से लेकर बड़ों तक सब लोग रहते हैं, सबके हाथ में कैंडल, और लगभग 3 या 4 किलोमीटर का वो रास्ता रहता है, वो चल के जाते हैं हम लोग। ओके, तो मैं दिखा दूंगा आपको शॉर्ट शॉर्ट क्लिप में लेकर, तो आप बने रहिए, मतलब देखिए आप कि हम कैसे मान वंदना देते हैं, मतलब किस प्रकार से हम अभिवादन करते हैं हमारे बाबा को। ओके, सो बने रहिए, अभी मैं फ्रेश होता हूँ, डायरेक्ट मिलूंगा मैं आपको रैली के टाइम। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सुहेलो पले नैनी अश्रु कंठ दाटले भीम चालले, हो भीम चालले, भीम चालले, हो भीम चालले। गाइस, तो अभी आपने देखा होगा कि हम किस तरीके से आदरांजलि मतलब श्रद्धांजलि देते हैं हम हमारे बाबा को। और आपने आगे देखा ना मशाल पकड़ के, वो दीदी है, मतलब आपने दीदी को देखा होगा सामने थी मशाल पकड़ के। ओके,
तो तरीके से हम आदरांजलि देते हैं, ठीक है। तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और हाँ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।